हे गाइज, हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल आईटी ब्रेन। सो गाइज, IOCL दैट मींस कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से जो है अप्रेंटिसशिप की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आ रही है। ITI कैंडिडेट्स हैं या फिर आप डिप्लोमा किए हुए हैं या फिर आपने ट्वेल्थ या ग्रेजुएशन करा है, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है सामने। तो गाइज, इसका फुल नोटिफिकेशन हम लोग देखेंगे कि किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है, कब से फॉर्म्स वगैरह भराएंगे, सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो देखिए गाइज, यहाँ हमने जो है ऑफिशियल वेबसाइट खोल लिया है और यहाँ पे आप देख पाइए कि जो है नोटिफिकेशन का जो है यहाँ पे ये पूरे डिटेल्स दिए गए हैं। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन को जो वेस्टर्न रीजन से निकला है इसको हम खोल लेते हैं और पूरी जो यहाँ पे जानकारी है आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से समझा देता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो फॉर्म्स है आज से भराएंगे, दैट मींस कि 15 तारीख से। हालांकि अभी लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, मैंने चेक किया था, जस्ट अभी चेक किया था, बट गाइस हो सकता है कि जब तक आप वीडियो देखें तो लिंक एक्टिव हो गया होगा। ठीक है, बट गाइस देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले जो जरूरी बातें आपको बता दूं जो कि आपको जाननी चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भरिएगा। देखिए, वेस्टर्न रीजन से निकाला गया है और इसके पहले जो है आपका यूपी बिहार वाले रीजन सबसे भी निकला हुआ था, उसका एग्जाम एग्जाम सब कुछ हो चुका है। अभी फिर से जो है वेस्टर्न रीजन जो कि मुंबई गुजरात वाला एरिया है, देखिए मुंबई हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, गोवा, दादर एंड नगर हवेली, इन रीजन से जो है अभी निकाला गया है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ट्रेड एंड अप्रेंटिसशिप अंडर 1960 एक्ट। ठीक है, एक्ट जो है 1961 एक्ट के तहत ही है। ठीक है, देखिए गाइस, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट से है पहले यहाँ पे, और ये जो है आपका डिसिप्लिन का कोड है 101-102, तो इसका भी हम लोग देख लेंगे नीचे में। अब देखिए डिसिप्लिन कौन सा है, तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस। ठीक है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल। तो गाइज ये जो हो गया आपका टेक्नीशियन वर्ड जहां मिले तो समझ लीजिए डिप्लोमा का है। ठीक है, ये डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स पे, डिप्लोमा इन मैकेनिकल किए हुए हैं तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, अब देखिए साथ ही साथ टेक्नीशियन के साथ यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस भी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ट्रेड अप्रेंटिस से हो गया आपका फीटर, दैट मीन्स की ITI वाले कैंडिडेट्स। ठीक है, ITI कैंडिडेट्स, देन यहाँ पे नीचे यदि पढ़िएगा तो देखिए ट्रेड अप्रेंटिस, ठीक है, रिटेल सेल एसोसिएट, फिर ट्रेड अप्रेंटिस है, ये ट्वेल्थ और ग्रेजुएट हो गए, फिर यहाँ पे देखिए ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो ये सभी जो है आप लोग के ये अकाउंटेंट हो गए, ये सब ट्वेल्थ लेवल पे और ग्रेजुएट लेवल पे। तो ये हम लोग कोड का देख लेंगे नीचे में क्या क्या किसके लिए मांगा गया है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, एलिजिबिलिटी क्या क्या मांगा गया। बोले यहाँ ITI की बात करते हैं हम लोग, देखिए फीटर ट्रेड से निकाला गया है, इलेक्ट्रीशियन से निकाला गया है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से निकाला गया है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से निकाला गया है, मशीनिस्ट से निकाला गया है। ठीक है, और यहाँ पे ट्रेड अपने से अकाउंटेंट्स वगैरह सब निकाला गया है। तो गाइज यहाँ पे हम जो है यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं कि महाराष्ट्र रीजन से टोटल जो वैकेंसियां हैं वो 212 सीट हैं। ठीक है, और जिसमें का अनरिजर्व 94 है, और यहाँ पे जो है डिप्लोमा वाले इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और जो है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को यहाँ पे मौका दिया गया है। उसी तरह से यदि नीचे बात करें तो देखिए गुजरात रीजन से जो है आप लोग का यदि डिप्लोमा का, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टेक्नीशियन जितने भी हैं सब टेक्नीशियन, लेकिन फीटर वाला देखिए ITI वाले का यहाँ पे 50 सॉरी यहाँ पे ITI वालों का जो है कुल मिलाकर के गुजरात स्टेट से देखिए 161 सीट है टोटल मिलाकर, उसमें सब सीट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा हालांकि। ठीक है, उसी तरह से जो है यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का, फिर जो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का, और इसी तरह से सबका दिया हुआ है। डिटेल नोटिफिकेशन आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके ले लीजिएगा, ऐसे यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। देखिए अभी हम मध्य प्रदेश से, ठीक है, तो मध्य प्रदेश से मैं ITI वालों को बात कर लूँ तो यहाँ फीटर का, इलेक्ट्रीशियन का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, फिर मैशनिस्ट हो गया, तो इनका देखिए टोटल कितना है 40 सीट है, जिसमें कि रिजर्व कोटा वगैरह सब कुछ जोड़ जाड़ के मैंने टोटल बताया आपको। आगे छत्तीसगढ़ से उसी तरह से आप लोग के जो है यहाँ पे फीटर है, इलेक्ट्रीशियन है, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, फिर मैशनिस्ट है। ठीक है, ये चीजें हैं, इसमें टोटल 22 सीट्स है, तो कुल मिला के अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज है। गोवा का देख लीजिए, गोवा में टोटल मिला करके 3 है, फिर उसी तरह दादर नगर हवेली का कितना है, तो यहाँ पे 2 वैकेंसियां हैं। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे सारी वैकेंसी अच्छी खासी वैकेंसी है, आप लोग इजीली इन चीजों को अप्लाई कीजिए सब कुछ बहुत ही ढंग से, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑनलाइन माध्यम से सब कुछ होना है। देखिए गाइज यहाँ पे स्टाइपेंड की बात करें तो स्टाइपेंड जो आप लोग का जो 7000 जो गवर्नमेंट 1961 एक्ट के तहत जो मिलता है 7000 to 7500 के करीब करीब जो मिलता है, और एडिशनल उसके अलावे 2500 रुपए आपको दिया जाएगा। ठीक है, एडिशनल अमाउंट ऑफ 2500 ये मिलेगा। ठीक है, बीटेक वाले हैं कि नहीं वही बता देंगे आप लोग को वीडियो में, हम देख लीजिए। आगे देख लीजिए यहाँ पे जो है डिसिप्लिन कोड जो आपको बोले थे ना, डिसिप्लिन कोड, तो ये जो है 112 है, हो गया 113, 114, इस तरह से 101 जो है आपका आगे ऊपर दिखाए थे आप लोग को, टेक्निकल टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख लीजिए ऊपर में ये था ना 101 टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल,
ये जो हुआ आपका, इसके लिए एलिजिबिलिटी आपको वहां नीचे देखना, उसी तरह से जैसे फिटर है तो फिटर इलेक्ट्रीशियन है आईटीआई का, तो 107 108 में आप लोग उसको देख पाइएगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हम ज्यादा इन चीजों पर फोकस नहीं करेंगे, आईटीआई वाले के लिए ज्यादा यहाँ पे बात कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप मैकेनिकल 3 ईयर का जो है डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और बीटेक वाले जो है वो अलाउड नहीं है, दैट मीन्स की डिग्री वाले डिग्रीधारी जो जिसको बीटेक इंजीनियरिंग जो कहते हैं वो वाले बच्चे ये नहीं भर पाएंगे इस फॉर्म्स को, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो है टेक्नीशियन है, आज चलिए इस तरह से देख लीजिएगा आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स सबका है। और यहाँ पे यदि बात करूं मैं फीटर का, तो फीटर में देखिए एनसीबीटी या एससीबीटी से आपने फीटर करा हुआ है तो आप जो है इजीली इस 107 कोड जो है उसको भर पाइएगा, ऊपर आपको मैंने दिखाई दिया। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रीशियन में भी सेम उसी तरह से एलिजिबिलिटी है कि आपने आईटीआई किया है, एनसीबीटी एससीबीटी से किया, फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिर इसी तरह से इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, फिर मैशनिस्ट, और फिर यहां देख लीजिए जो मैं कह रहा था आप लोग को, देखिए ट्रेड 112 ट्रेड अप्रेंटिसशिप जो है 112 कोड जो है उसमें ग्रेजुएट होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, जनरल ओबीसी के लिए, और 45 जो होना 45% एसटीएससी के लिए होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 113 114 पोस्ट जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है उसमें क्या होना चाहिए आपका, तो क्लास 12th आपका होना चाहिए और ठीक है, और इक्विवेलेंट ये सब दिया हुआ है, बट आपके पास जो है 12th यदि किए हैं तो आप इसको कर सकते हैं, उसके बाद भर सकते हैं मतलब फॉर्म को। उसका कोड नंबर 15 और 16 115 116 जिसमें कि है अप्रेंटिसशिप रिटेल सेल एसोसिएट, इसमें भी आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th मांगा गया है, ठीक है, इसमें आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन रेगुलर कोर्स होना चाहिए आपका, फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए, मतलब कि आपका पार्ट टाइम या फिर जो है ओपन स्कूल वगैरह वाला नहीं चलेगा, ठीक है, रेगुलर वाला यहां मांगा गया है। आगे यदि बात करें तो देखिए यहां पे 3 साल का यदि 3 साल का यदि गैप है तो एलिजिबल है, लेकिन 3 साल के बाद का गैप अलाउड नहीं है। जैसे कि मानते हैं कि आपने आईटीआई जो है 2015 में किया है और अभी चल रहा है 2022, तो अच्छा खासा गैप हो गया, 7 साल का हो गया, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। यदि 3 साल का ही गैप है, ठीक है, 3 साल रिजल्ट आने से आपका मतलब आज के डेट से यदि 3 साल का 3 साल पहले आपने क्वालिफिकेशन लिया है 12th का या फिर जो है आपका आईटीआई या डिप्लोमा, तो ही आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, इसकी कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसका। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बी हो गया, बीटेक हो गया, एमबीए हो गया, सीए हो गया, एलएलबी हो गया, ये सब सबको अलाउ नहीं किया गया है, ठीक है। उसका 18 से 24 साल तक जो है एज है और काउंटिंग कब से होगा 31/1/2022 से काउंट किया जाएगा। इसमें जो एसटीएससी का 5 साल और ओबीसी का 3 साल वो भी यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा अतिरिक्त। 12 महीने का जो है ट्रेनिंग होने वाला है और फिर यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिलेक्शन मेथड क्या है, मेरिट पे नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, रिटेन होगा, जो कि 90 मिनट का एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन होगा, जहाँ की 100 क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट का देख लीजिए, ये आप लोग का ये पूछा जाएगा, ठीक है, अकाउंटेंट वाले ट्रेनिंग। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आईटीआई या फिर डिप्लोमा वाले के लिए क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे 40 मार्क्स का जो है क्वेश्चन रहेगा आपका टेक्निकल, जो आपने पढ़ा है फिटर इलेक्ट्रीशियन वो आपका थ्योरी वाले से रहेगा। उसके बाद फिर आपका जनरल एप्टीट्यूड मतलब कि मैथ्स से आपके क्वेश्चंस जो है रहेंगे यहाँ पे 20 रहेगा, ठीक है, 20 क्वेश्चन मैथ्स रहेगा, 20 रहेगा आपका रीजनिंग से, और इंग्लिश से आप लोग का जो है 20 क्वेश्चन रहेगा, ग्रामर प्रामर कुछ रहेगा, ठीक है। तो ये टोटल कुल मिला करके जो है आपका 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, ठीक है, 90 मिनट का टाइम मिलेगा। अब मिनिमम क्वालिफाई आपको 40 नंबर तो लाना ही लाना है, नहीं तो आप इस पोस्ट के लिए इनएलिजिबल हो जाएगा, कोई काम के नहीं रहेगा फिर वो, ठीक है। तो आपको 40 मार्क्स मिनिमम लाना ही लाना है, और ओबीसी वाले के लिए 35% लाना है, मतलब कि 100 में आपको 35 नंबर मिनिमम लाना है, उससे अभी लाना है कट ऑफ पार करने के लिए, मतलब सिलेक्शन पाने के लिए। चलिए अब आगे हम लोग यदि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं देख लीजिए, कैसे अप्लाई करेंगे, तो आप लोग जो है IOCL.gov.in career apprenticeship इसमें जाकर के लिंक आप लोग को मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर के ऐसे जो मैं खोला हुआ तो वही लिंक वही वही वाला प्लेटफॉर्म से आप लोग का फॉर्म फिलअप होगा। देख लीजिए यहाँ पे जो मैं यहाँ पे दिखा रखना आपको, ठीक है ना, तो इस जगह में ही आप लोग को मतलब फॉर्म भरने के लिए लिंक आ जाएगा, ठीक है। खैर चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे आपको फॉर्म भरने से पहले जो है आपको अपना 10th का या मैट्रिक का जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो है आपको जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहे उसका स्कैन कर लेना है, फोन में रख लेना है क्योंकि उसको अपलोड करना होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे यदि आईटीआई से है क्वालिफिकेशन यदि आपका आईटीआई है या ग्रेजुएशन या डिप्लोमा है, ठीक है, जो भी है आप उसका भी जो है एडुकेशनल का सर्टिफिकेट का जो है स्कैन रख लीजिए। फिर कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी है जनरल ओबीसी है या फिर ईडब्ल्यूएस है या फिर जो भी है आप एसटीएससी है उसका भी आपको रख लेना है स्कैन कॉपी। उसको सिग्नेचर ब्लैक इंक में काले पेन से जो है सिग्नेचर किया हुआ उसका रख लेना। फोटोग्राफ भी आपको रख लेना है अपने फोन में स्कैन करके,
ठीक है, कट ऑफ डेट जो है एज का वो 31/1/2022 से माना होगा, उसका माना जाएगा। और फिर देखिए अदर रिक्वायरमेंट्स और क्या क्या चाहिए कि आपको अप्रेंटिसशिप करने के लिए, ठीक है, आपको रजिस्टर होना होगा या तो RDAT या फिर बोर्ड से या फिर NSDC जो ये गवर्नमेंट पोर्टल है उसमें रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है। पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए या फिर बैंक अकाउंट चेकबुक आपका होना चाहिए, ठीक है, ये चीजें जरूरी है। उसके बाद क्योंकि ये सभी रिक्वायरमेंट्स भी आपको जरूरत पड़ेगा इन चीजों का भी। अब आगे देख लीजिए यहाँ पे जो भी आप लोग का रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम होगा, वो आपको मेल या फिर SMS के माध्यम से आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है, ये चीजें हैं। उसके बाद फिर जो भी आप अपलोड कीजिएगा डॉक्यूमेंट्स वो आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ही अपलोड करना है, ये बात भी ध्यान आप लोग रखिएगा निश्चित ही, ठीक है, ऐसे नहीं कि बिना सेल्फ अटेस्टेड किए डाल दीजिएगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जब शॉर्टलिस्ट हो जाइएगा, टाइम ऑफ वेरिफिकेशन के टाइम में आपको ये चीज चाहिए, मतलब कि आपका 10th का, मेट्रिकुलेशन का, फिर 12th का, ये सब सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट चाहिए, फिर आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए जो कि सेंट्रल लेवल वाला ही देना होगा, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो निर्गत होता है। फिर OBC वगैरह वाला भी, नॉन क्रीमी लेयर वाला सब भी आप लोग को सेंट्रल वाला देना पड़ेगा, ये चीजें हो गई। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट्स जो सेमेस्टर वाइज जो है कंसोलिडेटेड, वो सारी मार्कशीट सर्टिफिकेट्स, NTC सर्टिफिकेट, ठीक है, या फिर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा का। डेट्स वगैरह जो है ओपनिंग लास्ट डेट है 15 फरवरी तक, ठीक है, 15 फरवरी तक, और आज से मतलब 15/1 से आज ये चालू हो जाएगा फॉर्म भराना। तो गाइज ये कुछ डिटेल्स थे जो कि मैंने आपको समझा दिया है, और यहाँ पे जो है सारे डिटेल्स आप लोग को, जो लिंक वगैरह है सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का ग्रुप भी मिल जाएगा, वहां पे भी नोटिफिकेशन मिलेगा आप लोग को, इस नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा और इस फॉर्म को भर सकते हैं आप। तो गाइज आई होप कि आपको समझ में आई होगी पूरी जानकारी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे और अदर फर्दर अपडेट्स जो होंगे, जैसे कि एग्जाम कब होगा, ये सारे कुछ का डिटेल्स मैं जो है वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दे दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले अपडेट में, अगले इन्फॉर्मेशन, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।